मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज का जो वीडियो है ये कुही के ऊपर वीडियो है। मैं आज कुही के रूटीन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज ये थोड़ी सी जल्दी उठ के मैं सोच रही थी कि आज मैं उसका रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, लेकिन ये बहुत ही जल्दी सो करके उठ गए हैं। 9:30 हुआ ही नहीं तब भी सोकर उठ के, नहीं तो ये 9:30 के बाद उठते हैं, 10 बजे 10:30 इस तरीके से उठते हैं, लेकिन आज बहुत ही जल्दी उठ के है। पहले मैं क्या करती हूँ सुबह उठ करके, कुई के लिए मैं क्या करती हूँ, कुई के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। सुबह उठ करके पहले मैं गौतम के लिए करती हूँ, उसके बाद मैं कुई के लिए करती हूँ। तो पहले मैं कुई का जो वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल को कुई का ये वाटर बॉटल है, इसको मैं साफ़ करती हूँ। किसी के लिए साफ करती हूँ आप लोगों के साथ मैं आपको शेयर करूँगी। और इसको साफ़ करने के टाइम पे ही मैं चढ़ा देती हूँ कुही के लिए एक पतीले पे गर्म पानी, उबलने के लिए मैं छोड़ देती हूँ उसको 10 मिनट तक, मतलब फिर मैं इसका ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन करती हूँ। तो चलिए देखने करके वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं कुही के लिए पानी गर्म करूँगी, पानी को उबालने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट तक। फिर मैं अभी यहाँ पे गरम पानी पे कुही का जो वाटर बॉटल है उसको मैं भिगो के रखूँगी। गरम पानी को मैंने एकदम से उबाल ली है और अभी गरम पानी मैं यहाँ पे दे दूँगी। और गरम पानी देने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, डिश सोप लिक्विड यानी कि भीम लिक्विड मैंने यहाँ पे ऐड की है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और आधा घंटा तक इस तरीके से छोड़ दूंगी। जब तक पानी अच्छे से ठंडा हो जाए तब तक मैं इसको छोड़ दूंगी और तब तक मैं बाकी सारा काम कर लूंगी। तो अभी यहाँ पे देखिए पानी जो है अच्छे से बॉइल्ड हो गया है। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी मैं कुई को सरलेक खिलाऊंगी। सरलेक के लिए लुकवॉर्म वाटर चाहिए, तो पानी पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अभी मैं कुही को सरलेक खिलाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह सरलेक ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैं सुबह सरलेक देती हूँ। वो ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है, ज़्यादा लाइट भी नहीं होता है, तो ब्रेकफास्ट के लिए ये परफेक्ट है। तो सरलेक पे मैं कुही को ये जो फ्लेवर है, इस फ्लेवर का सरलेक मैं इसको देती थी पहले 6 मंथ पे, ये देती थी 8 मंथ पे भी इस फ्लेवर का ही आते थे, तो इसको ही मैं देती थी। लेकिन अभी मैंने कुही का जो सरलेक है इसको मैंने चेंज कर दिया है, फ्लेवर है कुही का इसको मैंने चेंज कर दिया है। अभी मैं इसका ये जो वेजिटेबल्स और राइस और दाल इस तरीके का जो फ्लेवर है खिचड़ी टाइप का, इसका जो सरलेक में कुही को अभी देती है, इसका ब्रेकफास्ट बना लेते हैं और उसके बाद कुही को मैं क्या करूँगी, कुही क्या करेंगे ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर। तो कुही का जो बर्तन है खाने का ये है, और हम लोग एक्चुअली कांक के बर्तन यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कांहोर बासन बोलते हैं। तो और इस तरीके के बर्तन पे हम लोग खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम लोग ही कांहोर बासन पे ही खाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। इसका बेनिफिशियल भी है बहुत सारा, इस बर्तन पे अगर हम लोग खाते हैं तो डाइजेशन का प्रॉब्लम कभी नहीं होते हैं, गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होते हैं, मतलब ये मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद बर्तन है। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो बाउल आप देख रहे हैं इसको हम लोग सोरास बाटी बोलते हैं, तो इसका लगभग 1500 से 1700 तो आ ही जाते हैं इस बाउल का, और ये भी कांक का ही है। तो ये सब का प्राइस काफ़ी ज़्यादा, ये पीतल का है, ये पीतल का है और ये भी कांहोर है, कांहोर बासन एसएमएस लोगों का ट्रेडिशनल बर्तन है। ये कुही के नानी यानी कि मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था, और इसके साथ डिश भी है, वो डिश जो है वो इतना बड़ा है, वो भी सोरास का ही है, तो डिश भी लगभग डिश का भी 3000 तो आ ही जाती है एक डिश का। तो सरलेक बनाने का तो प्रोसेस सभी लोगों को पता है, गर्म पानी को एकदम से ठंडा करके लुकवॉर्म जैसा थोड़ा थोड़ा गर्म हो इस तरीके से लेना चाहिए पानी, फिर वहाँ पे सरलेक दे देना है। 2.5 लेती हूँ सरलेक, क्योंकि हाफ तो ऐसे ही गिरा कर ही ख़त्म कर देंगे पूरी,
यहाँ वहाँ गिरा के मुँह के बाहर मुँह से गिरा देते हैं, तो इसलिए मैं 2.5 लेती हूँ। एक्चुअली जब मैं पहले पहले इसको सैलेड खिलाती थी तब मैं ओनली 1/2 टेबल स्पून ऑफ सैलेड लेती थी, फिर मैंने 8 मंथ में एक टेबल स्पून कर लिया है, और अभी क्योंकि अभी उसका 3 मंथ चल रहा है तो इसलिए मैं 2 टेबल स्पून लेती हूँ। लेकिन बहुत सारा वो यहाँ वहाँ गिरा देते हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ। इसका टेक्सचर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। पहले जब मैंने इसको पहले जब सैलेड खिलाया था तो अभी एकदम पतला सा बना दी थी, अभी मैं इसको थोड़ा सा गाढ़ा बना। जो ये रही कुही का ब्रेकफास्ट, कुही लेट्स गो। अभी कुही पी रही है पानी, और पानी पीने के बाद थोड़ी देर कुही ऐसे ही खेलते रहेंगे, फिर थोड़ी देर सो जाएंगे। पता नहीं आज सोएंगे कि नहीं, लेकिन इसका एक रूटीन है, वो ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर खेलते हैं फिर सो जाती है, और उसके बाद जब उठते हैं ये तब मैं उसको नहा देती हूँ। तो कुही सोकर उठने के बाद अभी खेल रही है, और अभी मैं करूँगी कुही का कपड़े क्लीनिंग। तो कुही के कपड़े धोऊंगी, उसके बाद कुही को मैं साफ करूँगी। तो आज एक एक करके कुही के साथ क्या क्या होगा आप लोगों के साथ मैं सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। कुही के कपड़े धोने के लिए मैं यूज़ करती हूँ गर्म पानी। गर्म पानी से कपड़े ज़्यादा साफ होते हैं, बैक्टीरिया ये सब का भी डर नहीं होता है, तो गर्म पानी में ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बेबी के कपड़े धोने के। कुही के जो कपड़े हैं ये मैं वॉशिंग मशीन के सर्फ से ही धोती हूँ, ये सर्फ एक्सेल मैट्रिक है टॉप लोड, और ये थोड़ा सा देने से ही अच्छे से इसका कपड़ा धोना हो जाता है, थोड़ा सा पाउडर साफ देने से ही हो जाता है, तो कपड़ा ज़्यादा नहीं निकलते, थोड़ा सा निकलते तो अच्छा ही है। तो जब तक ये इसको मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट्स का इस तरीके से भिगो कर रखूँगी कपड़े को, और इसको साइड पर रखूँगी। और अभी मुझे साफ करना है कुंडी का वाटर बॉटल, इसे साफ करती हूँ। ये इस तरीके से घूमते हैं तो साफ करना काफ़ी इजी हो जाते हैं। और ये है निपल साफ करने का ब्रश, ये दोनों एक ही साथ में आया है, और इसका प्राइस बहुत ही कम है, इसका प्राइस 123 समथिंग ऐसा कुछ है, और इसको मैं फर्स्ट प्राइस से खरीदा हूँ, तो मैं इसका लिंक दे दूँगी आप। इसको जस्ट बॉटल के यहाँ पे पकड़ के इसको जस्ट इस तरीके से घुमाने से ही बॉटल जो है वो साफ हो जाते हैं। और ये जो निपल्स है निपल्स को भी ये देखिए इस तरीके का ब्रश तो मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं, लेकिन निपल्स का थोड़ा सा मुश्किल है मिल पाना, इसलिए मैंने इसका सेट ही मंगवा लिया हूँ ऑनलाइन पे। वैसे कोई का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं फर्स्ट प्राइस ही खरीदती हूँ।
यहाँ पे देखिए ये सब कपड़े मैंने धो लिया है। यहाँ पे जो कपड़े हैं इसको मैं यहाँ पे मैं कॉम्फर्ट नहीं दूंगी, यहाँ पे मैं कम्फर्ट दूंगी। जो कपड़े कोई पहनते हैं उन सब कपड़ों पे मैं कम्फर्ट देती हूँ, और बेब्स हैंकी या फिर पॉटी शिशु करने वाला जो कपड़े है उस सब पे मैं कम्फर्ट नहीं देती हूँ। तो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ कम्फर्ट। कपड़े को मैंने अच्छे से वॉश कर ली है और कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, इसलिए मैं हाफ हाफ कप कम्फर्ट यूज़ करूँगी। तो ये अभी कपड़े कम्फर्ट में भीगते रहे और मैं तब तक ये कपड़े जो है सुखा के आती हूँ। कुही को नहलाने वाली हूँ, तो मैं कुही का जितना भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, लोशन, क्रीम, ऑयल, वो सब मैं जॉनसन्स का यूज़ करती हूँ। और ये है कुही का बॉडी लोशन, ये भी जॉनसन्स का ही है। और ये जो शैम्पू है ये भी जॉनसन्स का है, और ये शैम्पू हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ करते हैं, तो इसलिए मैं इस शैम्पू को यूज़ करती हूँ। कई सारा शैम्पू मिलते हैं जॉनसन्स का, लेकिन मैं यही वही यूज़ करती हूँ। और यही जॉनसन्स बेबी ऑयल, ये इससे मसाज भी कर सकते हैं, तो मैं इसका अभी तक यूज़ नहीं की हूँ, लेकिन अभी मैं आज मैं इसको यूज़ करूँगी। और जॉनसन्स बेबी पाउडर, और ये दिखा जब बर्थ वाला तभी लाए थे हम लोग इसको, अभी इसका ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होने वाले हैं। इस तेल को भी कभी कभार मैं लगाकर मसाज करती हूँ, लेकिन मैं जनरली जो मस्टर्ड ऑयल है इससे, यहाँ पर मैंने ये मेरा हेयर सीरम का बॉटल है, इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल रखी हूँ अभी कुही का। ये जो मस्टर्ड ऑयल है ये एकदम ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल है, मतलब प्योर मस्टर्ड ऑयल है, इससे मैं कुही को आज तक मसाज कर रही हूँ। और अभी फ़िलहाल वो थोड़ा सा बड़ी हुई है, इसलिए मैं कभी कभार डाबर तेल से भी मसाज कर देती हूँ। और ये है जॉनसन्स कॉटन टच न्यूबॉर्न बेबी क्रीम, तो मैं इससे ही इसको ही कुही को लगाती हूँ। और ये है बेबी हेयर ऑयल, तो अभी फ़िलहाल मैं ये हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले मस्टर्ड ऑयल ही कुही के हेयर पे लगाती थी। ये ओरिजिनल प्योर मस्टर्ड ऑयल है, इसलिए मैं इसको ही यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करती थी। और ऊपर से जब कुही को ठंडा लग जाते थे तब हम लोग मस्टर्ड ऑयल में लहसुन और थोड़ा सा कलौंजी दे करके उसको मसाज कर देते थे, तब वो अच्छे ठीक हो जाते थे। और ठंडा दिन पर तो हम लोग विंटर्स पर इससे ही हम लोगों ने मसाज की है कुही को, और रोज़ मसाज की है। और ये है कुही का पाउडर पफ, जिसको मैंने फर्स्ट क्राई से ख़रीदा है, काफ़ी अच्छा है, फ़ायदेमंद है, तो ये मैं रेकमेंड करूँगी बेबीज़ के लिए, काफ़ी अच्छा है ये। तो यही है कुही का प्रोडक्ट जिसको मैं यूज़ करती हूँ, इसको मैं नहलाने वाली हूँ। और जैसे मुझे वीडियो भी नहीं करने देती है गाइस, तो वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं मेरा वीडियो बनाने में, और ऊपर से वीडियो को एडिट भी करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियोस को। कुही का दिन भर का जो रूटीन है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और रूटीन पूरा दिन का है, कुही को क्या खिलाती हूँ, क्या करती हूँ कुही के साथ, कुही क्या करते हैं, तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो
अभी मैं कुई को मसाज कर रही हूँ। मसाज करने के बाद इसको मैं नहला दूँगी और वीडियो जो है ये काफ़ी लंबा है, इसलिए मुझे इसको दो पार्ट में अपलोड करना पड़ेगा। ये है पार्ट वन, पार्ट टू मैं जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, इस वीडियो को कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।